क्या आपको डार्क स्पॉट है? क्या आपको ब्राउन स्पॉट है? क्या आपको मिलाज्मा है? क्या आपकी स्किन सन टैन से अनइवन हो गई है? तो ट्रस्ट मी गाइस, आज आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रंजना एंड यू आर वाचिंग रंजना ओरा। सो गाइस, आज की वीडियो आपकी अगेन रिक्वेस्टेड वीडियो है, जो कि है पिगमेंटेशन के बारे में। बहुत 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 ज्यादा रिक्वेस्ट आई है गाइस आपकी पिगमेंटेशन के लिए, कुछ वीडियो बनाने के लिए। सो आज की वीडियो में गाइस, मैं आपको जो रेमेडी बताने वाली हूँ, ये 100% वर्क करती है। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है पिगमेंटेशन की, तो गाइस सबकी स्किन का टाइप और पिगमेंटेशन भी अलग होता है ना, तो प्लीज मेरी प्लेलिस्ट को भी चेक कीजिए और उसमें से अपने लिए अच्छी सी रेमेडी आप देख लीजिए जो भी आपकी स्किन को सूट करे। सो नाउ गाइस, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी पिगमेंटेशन से फाइट करने का एक अच्छा सा पैक कह लीजिए या स्क्रब कह लीजिए। आपकी पिगमेंटेशन क्या होती है? पिगमेंटेशन गाइस डेड सेल का एक्युमुलेशन होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, उस एक्युमुलेशन को हटाना है, ठीक है। अब अगर उस स्किन को हम अच्छे से स्क्रब करेंगे तो धीरे धीरे लेयर बाय लेयर वो चीज हटेगी। सो आज की वीडियो में बेसिकली उसी पर बात करेंगे। नाउ गाइस, आज की वीडियो में जो रेमेडी मैं लेने वाली हूँ वो बहुत 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 ज्यादा नेचुरल है, इजीली अवेलेबल है, इवन अभी आपके घर में भी मौजूद है। सो फटाफट से देखते हैं कि पिगमेंटेशन पे आज हम क्या यूज करने वाले हैं। फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो, बट उससे पहले मेक श्योर गाइस कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है एंड नोटिफिकेशन बटन ऑन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपसे मेरी फ्यूचर की वीडियो मिस हो जाएगी। नाउ लेट्स जंप इनटू द वीडियो। अच्छा गाइस, वीडियो को फटाफट से कर लेते हैं शुरू, बट उससे पहले एक और चीज मुझे बतानी है। वीडियो में मैंने जो रेमेडी आपको बताई है उसको यूज करने से पहले, जब भी आप डिसाइड करो कि हाँ आज से आपको यूज करना है, आप अपनी पिक जरूर कर लीजिएगा और उसके बाद कॉन्टिन्यूअस 15 डेज तक इसको यूज कीजिएगा। देन आप पिक लेंगे 15 डेज के बाद, और उसके बाद इस रेमेडी को आपको हर अल्टरनेट डेज यूज करना है। पहले 15 डेज कॉन्टिन्यूअस, देन आपको अल्टरनेट डेज, और उसके बाद एक महीने बाद आपको अपनी फोटो देखनी है। बहुत 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 मेजर चेंज आपको समझ में आने वाला है। नाउ गाइस, अब फटाफट से देखते हैं कि आखिर इस रेमेडी को कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, एवरीथिंग। सो माई लवली व्यूवर्स, ये है वो रेमेडी जो आपको अपने पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन, डार्क स्पॉट, ब्राउन स्पॉट, मिलाज्मा, इन सभी के लिए यूज करनी है। ये रेमेडी आपको कॉन्टिन्यूस यूज करने पे आपके पिगमेंटेशन या अनइवन स्किन के एक्युमुलेशन को डे बाय डे रिड्यूस करेगी। सो चलिए देखते हैं कि क्या क्या लेना है। सबसे पहले गाइस, आपको पहला इंग्रेडिएंट जो लेना है वो है पोटैटो का जूस। यहां पर आप देख रहे हैं ना पोटैटो का जूस, इसमें स्टार्च है, साथ ही साथ इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है। ये एक नेचुरल ब्लीच होता है, इसलिए मैंने पहला इंग्रेडिएंट लिया है पोटैटो। आप सभी के किचन में आराम से मिल जाएगा। आपको मीडियम साइज का एक पोटैटो लेना है, उसको अच्छे से पील ऑफ करना है। पील ऑफ करने के बाद आप चाहिए तो इसे ग्राइंड कर लीजिए या आप कर लीजिए कद्दूकस, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज मैंने कद्दूकस किया है, और उसके बाद आपको क्या करना है, एक पल्पी मिक्सचर मिलेगा, उस पल्पी मिक्सचर को आपको अच्छे से कह लीजिए उसका जूस जो है उसको निकाल लेना है, ठीक है। जूस का पार्ट ही आपको यहाँ पर यूज करना है। तो ये है गाइज एक मीडियम साइज का पल्पी ग्राइंड किया हुआ या कद्दूकस किया हुआ मिक्सचर, इसको हम अच्छे से छान लेंगे, ठीक है। छानने के बाद जब आप इसको छानिएगा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, छानते समय इसको अच्छे से प्रेस करके हुए छानिएगा। प्रेस करके हुए जब छानेंगे तो आलू का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो जूस में अच्छे से आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा पहला इंग्रेडिएंट जो कि है आलू का जूस, वो यहाँ पे हमारा प्रिपेयर हो चुका है। आलू की जूस का गाइस जितना मैंने यहाँ पे आपको क्वांटिटी दिखाई है, ये सारी क्वांटिटी मैं यूज नहीं करूंगी, इस क्वांटिटी में से हाफ क्वांटिटी ही मैं यूज कर रही हूँ। तो ये है गाइस हमारा आलू का जूस। अब आपको जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है वो अगेन एक पावरफुल इंग्रेडिएंट लेना है, जो कि है गाइस आपका चावल का आटा। सो यहाँ पे सबसे पहले 3 चम्मच लगभग मैंने लिया है पोटैटो का जूस।
आपको जितनी भी क्वांटिटी में बनाना है उसी हिसाब से आप इसका प्रोपोर्शन भी आगे पीछे या कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 चम्मच हमने यहाँ पे ले लिया है पोटैटो का जूस। नेक्स्ट एक्टिव या सुपर इंग्रेडिएंट जो है वो है चावल का आटा। चावल का आटा गाइस, क्योंकि ये रेमेडी आप 30 दिन तक करने वाले हो, तो अच्छे से चावल को ग्राइंड करके पीस के उसका बारीक पाउडर बना के रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है लगभग चावल का आटा। इसके बाद जो थर्ड पावरफुल इंग्रेडिएंट है वो अगेन आपके किचन में है, जो कि है गाइस कॉफी। अब 1 चम्मच अगर आप चावल का आटा लीजिएगा तो उससे थोड़ा सा कम गाइस, थोड़ा सा कम यहाँ पे कॉफी पाउडर लेना है। स्पेशली जो 2 रुपए की कॉफी आती है वो एक बार में आपके लिए सफिशियंट होगी। इसको अच्छे से मिलाइए गाइस, इसमें किसी भी तरह का लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए। जिस हिसाब से आप इसकी थिकनेस देख रहे हैं, कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, ना रनी और ना ही बहुत ज्यादा थिक। अब आपको क्या करना है, ये जो पेस्ट आपका तैयार हुआ, ये या जो स्क्रब यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको आप अपने हाथ या ब्रश दोनों से लगा सकते हैं। आपको अपने क्लीन फेस पर इसको अच्छे से अप्लाई करना है। बात आती है कि किस टाइम बेस्ट रहेगा गाइस, जब भी आप इसको लगाएं, बस एक चीज का आपको ध्यान देना है कि आपका कॉन्टेक्ट सूरज से नहीं होना चाहिए, मतलब सन के कॉन्टेक्ट से बिल्कुल भी बचना है आपको। ठीक है, तो आप जब भी इसको लगाए, हर एक फेस पैक के बारे में मैं हमेशा कहती हूँ कि इसका डायरेक्शन जो होना चाहिए वो ऑलवेज अपवर्ड होना चाहिए। ठीक है, और इसका ना एक थिक लेयर लगाइएगा, क्योंकि ये आपका फेस पैक कम स्क्रब है। आप जब इसको हटाओगे तो जिस हिसाब से आप इसको हटाओगे उस टाइम ये एज अ स्क्रब रहेगा, बट जिस टाइम आप इसका टॉपिकल एप्लीकेशन करेंगे दैट टाइम ये आपका एक फेस पैक होगा। ठीक है गाइस, सो इसको अच्छे से लगाइए, पूरे फेस पर इसका अच्छा एप्लीकेशन होना चाहिए। और अब बारी आती है कि कितना टाइम तक इसको रखना है, या ये चीज आती है कि किस तरह के स्किन टाइप के लोगों के लिए ये बेस्ट है। सो गाइस, ये इतना अच्छा है कि ये हर टाइप के स्किन के लोगों के लिए अच्छा है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बार बार आता है कि इसकी जगह पे ये ले लें, इसकी जगह पे वो ले लें, नहीं गाइस, जो चीजें मैंने बताई है प्लीज आप वही लीजिएगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे एप्लीकेशन आप देख रहे हैं अच्छे से हो गया है ऑलमोस्ट गाइस। हाँ, एक और चीज गाइस, जहां पे आपका पिगमेंटेशन का एक्युमुलेशन हुआ है ना, मतलब जहां पे ब्राउन स्पॉट ये सारी चीजें आपको हुई हैं, आप उस वाले एरिया पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देकर अच्छे से लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि वहां का डार्क स्पॉट ब्राउन स्पॉट आपको हटाना है ना। हाँ, तो यहाँ पे अच्छे से गाइस एप्लीकेशन हमने कर लिया है। अब आपको इसको 25 मिनट तक रखना ही रखना है, इसके बाद आपको प्लेन वाटर से वॉश कर लेना है। सो यहाँ पे गाइस आप देख रहे हैं मेरा जो ये फेस पैक है ये सूख चुका है। अब इसको सर्कुलर मोशन में रब करते हुए आपको ना ही गर्म पानी और ना ही ठंडा पानी, नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है, एंड रिजल्ट आपके सामने है। इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, आप खुद मुझे आकर यहाँ कमेंट में थैंक्स बोलेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत सारे लोगों को इससे बहुत फायदा हुआ है। अब आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन करने के बाद अपना मॉइस्चराइजर बिल्कुल भी भूलना नहीं है। सो नाउ आप अपना मॉइस्चराइजर लगाइए एंड सो जाइए, दैट्स इट। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय गाइस, अपना ढेर सारा ख्याल।